नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप अपना मोबाइल फोन यूज करके आप अपने पैन कार्ड की तुरंत अप्लाई करके अपना मोबाइल में 10 मिनट के अंदर में पा सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का इंटरनेट डाटा ऑन कर लीजिए और कोई सा भी एक इंटरनेट ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। दोस्तों, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इसका गूगल क्रोम का जो होम पेज है उसमें आपको गूगल का सर्च बॉक्स दिखाई देगा। उस सर्च बॉक्स में आप लोग को सिंपली टाइप करना है इनकम टैक्स, INCOMETAX, ये इनकम टैक्स लिख के आप लोग को सर्च मार देना है। दोस्तों, इनकम टैक्स सर्च मारने के बाद यहाँ पर गूगल आप लोग को बहुत सारे लिंक प्रोवाइड कर देगा, बहुत सारे पेज आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहला वाला जो ऊपर वाला जो पेज है दोस्तों, www.incometax.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये पेज दिखने में कुछ इस तरह है, इसमें आपको बहुत सारे लिंक देखने में मिल जाएगा। दोस्तों, ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट साइट है। इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे क्विक लिंक्स, बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएगा। ये वेरीफाई रिटर्न लिंक, आधार लिंक, आधार स्टेटस, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। दोस्तों, क्विक लिंक्स पर यहाँ पर जाइए, आप जो 8 नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंस्टेंट ई पेन जो है उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको ई पेन मतलब इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड इंस्टेंटली जल्दी तुरंत अप्लाई करना है, इसलिए आपको इंस्टेंट ई पेन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये पेज कुछ इस तरह खुलेगा आप लोगों का सामने। ये देखिए, ये जो पेज है दोस्तों, यहाँ पर पूरा डिटेल से ई पेन किस तरह क्या होता है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ देखने में मिल जाएगा। दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप पढ़ के। ये दोस्तों EGN पेपरलेस से बहुत जल्दी ही हो जाता है, ई पेन होती 10 मिनट के अंदर ये हो जाता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों जरूरत जो होगा ये चिप ये है कि अपना आधार कार्ड और उसके साथ लिंक किया हुआ आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये जरूरत होगा। दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों गेट न्यू ई पेन कार्ड, उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, ये पेज खुल गया। यहाँ पर एंटर 12 डिजिट आधार नंबर आपको टाइप करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, इस प्रोसेस से आपको जो पैन कार्ड अप्लाई करके जो पैन कार्ड मिलेगा उसका वैल्यू और ऐसे जो पैन कार्ड मिलता है हार्ड कॉपी उसका वैल्यू सेम ही है। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ कन्फर्मेशन बॉक्स दिखाई दे रहा है, एग्री बटन, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पढ़ने में मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। आई हैव अलॉटेड मतलब पहले से आपका कोई पैन कार्ड नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर एक्टिव है, आधार कार्ड मेरा है अभी, उसमें आप लोग ये जो कंटिन्यू बटन है ब्लू कलर का, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी है दोस्तों, ये पढ़ के देख लेना, मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ ज़रूरत है आपको। यहाँ पर मतलब पहले से कोई पैन कार्ड नहीं होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा कुछ है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन में ओके कर दीजिए, आई हैव एक्सेप्ट में मार दीजिए। उसके बाद जनरेट आधार OTP में आप क्लिक कर दीजिए, जो ब्लू बटन है इसमें आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेक योर फोन, मतलब आपका OTP आ गया। ये देखिए दोस्तों, मेरा OTP आ गया है। अपना आप अपना मोबाइल में जो OTP आया है उसको सेम टू सेम यहाँ पर दोस्तों टाइप कर दीजिए, वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों, ये OTP आपने जो आधार नंबर डाला है उस आधार नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, लिंक मोबाइल नंबर है, उसी में ही जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरत होगा। यहाँ पर आई एग्री जो बॉक्स है इसमें आपको क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। उसके बाद कंटिन्यू में मार दीजिए। दोस्तों, कंटिन्यू में मारने के बाद आप लोगों के सामने ये पेज कुछ इस तरह आएगा। देखिए, इसमें दोस्तों आपका जो पूरा बायो डिटेल्स है इसमें आधार कार्ड का साइड से अपना सही खींच लिया जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई चीज़ लिखने का नहीं है, टाइप करने का नहीं है। आई एक्सेप्ट में मार के आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, दोस्तों आपको अगर ईमेल आईडी देना है तो वैलिडेट मार के आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, या तो डायरेक्ट कंटिन्यू बटन में मार के बिना ईमेल आईडी से भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जितना सारे बायोडाटा है आप स्लाइड करके खुद देख सकते हो, मैं पूरा बायोडाटा अपना नहीं दिखाया हूँ, अपना बायोडाटा है वहाँ पर सेम टू सेम हर चीज़ ठीक है कि नहीं ये देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए ओके मार दीजिए। दोस्तों, ये देखिए ये रिक्वेस्ट फॉर ई पेन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये देखिए मैसेज भी आ गया है मोबाइल नंबर, इसका मतलब है अपना एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी गो टू लॉगिन में मार के बैक पेज में जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अभी गो टू लॉगिन जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करके लॉगिन में जा सकते हो। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कितना जल्द ही मतलब तुरंत ही ये अप्लाई हो जाता है और ये डाउनलोड भी है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट मान लीजिए क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद आप अपना यहाँ पे लॉगिन में मारने के बाद दोस्तों दिखा रहा है एंटर योर यूज़र आईडी, मतलब आपका पैन कार्ड नंबर या आधार नंबर या कुछ भी दे के आप कर सकते हो। या तो दोस्तों बैक मार के आप न्यू पैन कार्ड गेट न्यू पैन कार्ड का नीचे जो चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें भी आप कंटिन्यू मार के
देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आप लोगों के सामने में मारा, ओके मार दिया। ये चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन, ये आधार नंबर आपको टाइप करने के लिए बोल रहे हैं। आप अपना आधार नंबर टाइप कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू मार दिए। कंटिन्यू मारने के बाद ये दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने ओटीपी आ जाएगा। आप ओटीपी देख के पूरा सही सही करेक्टली इसमें टाइप कर दीजिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन में मार देना है दोस्तों। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों दिखा दे रहा है करंट स्टेटस ऑफ योर न्यू पैन कार्ड रिक्वेस्ट, आपने जो इन प्रोग्रेस में है, मतलब आपने जो अभी अप्लाई किया है ये इन प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों बोला जाता है कि 10 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 10 मिनट में हो नहीं पाता है, इसलिए आपको थोड़ा देर बाद इंतज़ार करके आपको फिर से उसी तरह ट्राई कीजिए। गूगल का क्रोम का सर्च, क्रोम खुल के गूगल का सर्च बॉक्स में इनकम टैक्स मारिए, फिर से वही चीज़ करके जिस तरह पहले किया था उसी तरह इनकम टैक्स में टच कर दिए। इनकम टैक्स में टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्विक लिंक्स है इसमें आपको दिखने में मिल जाएगा इंस्टेंट ई पैन कार्ड। ये इंस्टेंट ई पैन में आप लोगों को क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेज खुलाई देगा ये जो है आप लोगों को सामने है, ये पहले जो मैं दिखाया हूँ सेम उसी तरह आप मारते रहिए। यहाँ पर दोस्तों चेक और स्टेटस डाउनलोड पैन कार्ड, यहाँ पे जो दो नंबर ऑप्शन नीचे में दिखाई दे रहा है इसमें आपको कंटिन्यू मानना है। कंटिन्यू मानने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना फिर से जो आधार नंबर है, आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आधार नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू मार दीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर सेम टू सेम टाइप कर देना है, जैसा आया है वैसा ही। दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी 10 मिनट्स में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप दो तीन बार मार के थोड़ा टाइम बाद बाद कोशिश कर लीजिए। मैं कंटिन्यू में मार दे, ये देखिए दोस्तों पेन एलोटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका पेन ये सक्सेसफुली आपको दे चुका है, मतलब आपका पैन कार्ड बन गया है। आप अपना पैन कार्ड अभी इस साइट से आप व्यू भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब देख भी सकते हो और डाउनलोड करके उसको अपना मेमोरी में भी रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ऊपर में दिखाई देगा दो बटन है, ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है, एक बटन है ये दिखाई दे रहा है पेन रिक्वेस्ट का जो साथ में है। यहाँ पर सबसे ऊपर में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए व्यू पेन जो है, और उधर स्लाइड करने में राइट करने में डाउनलोड ई पेन कार्ड का भी ऑप्शन है। तो व्यू ई पेन में मार के भी आप मारोगे तो ये आपका जो है ये डाउनलोड ही हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड होगी, ये आपको पीडीएफ में टच करने के बाद ये आपको खुल जाएगा। या तो दोस्तों आप वहाँ पर डाउनलोड ई पैन कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें भी क्लिक करके उसके बाद पीडीएफ में मारिए तो आप अपना पैन कार्ड ये खुल जाएगा। दोस्तों पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपका पासवर्ड क्या होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ है, बिना किसी स्लैश ऑब्लिक या हाइफन देखे कोई साइन नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले अपना डे, उसके बाद मंथ और ईयर, दिन महीना और साल मारने के बाद दोस्तों ओके मारिए। ये देखिए आपका पैन कार्ड आपका सामने खुल गया। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एक वीडियो में कुछ नया सीख के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।